ये सिचुएशन ट्रेन के साथ साथ प्लेन लैंडिंग बड़ा इंडिगो है भाई, बड़ा रेयर मिलता है भाई। यहाँ पे बगल में ट्रेन, यहाँ पे प्लेन, ये देखो भाई लैंड करके नीचे। और ये था अपना ट्रेन, मतलब भाई प्लेन्स तो बहुत देखे थे हमने, बट ये टाइम और ये सिचुएशन ना मतलब बहुत लकी होने के बाद दिखता है, ट्रेन के ऊपर से प्लेन क्रॉस की। ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं 13009 हावड़ा से योग नगरी ऋषिकेश तक जाती है। ये देखेंगे कैसा क्या सीन होता है भाई अयोध्या का, मतलब घर छोड़ के जा रहे हैं भाई अयोध्या सिर्फ दीपावली को सेलिब्रेट करने। भगवान राम का जन्मभूमि है, वहीं पे एंजॉय करेंगे। और हम तो साइड गाइस, अब हमारी ट्रेन आने वाली है, उठे जा रही है जी, तो चापले एकदम गई नॉन स्टॉप। ये सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर ब्लॉग। फिलहाल 3-4 दिनों से लगभग कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था, और आज सुबह अचानक से मेरा प्लान बन गया कि हम इस बार जो अपना दीपावली जो सेलिब्रेट करेंगे वो करेंगे श्री राम भगवान प्रभु श्री राम के नगरी में, उनके जन्मभूमि अयोध्या में। तो चलिए स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अभी हमें अपने होम टाउन में, और होम टाउन से लगभग अभी 5:30 बज चुका है, और हम आ चुके हैं अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड पे। और यहाँ पे आएगी दून एक्सप्रेस, क्योंकि एक ही ट्रेन है जो हमको डायरेक्ट अयोध्या ले जा सकती है अभी के टाइम में। तो हम सुबह सुबह जो है रेडी होकर के नहा धोवा करके अचानक से प्लान, देखो भाई जो ट्रैवलर होता है ना उसका प्लान का कोई गारंटी नहीं होता, वो कब कहाँ के लिए निकल जाए। तो वही मूड बन गया भाई। कल मैंने पोस्ट देखा पवन सिंह का, मतलब प्लान तो मेरा था ही कि मुझे 9 को ही जाना है, बट अचानक से फिर से मन में आ गया, किसी कारण से जो है मैं चल नहीं पाया था। बट आज फिर से प्लान बना कि नहीं भाई चलते अयोध्या में ही सेलिब्रेट करते, एक नई जर्नी, एक नया अनुभव लेने कि कैसा दीपावली होता है भाई जन्मभूमि का। जहाँ जैसे देखिए दीपावली मनाने का मेन जो उद्देश्य है ना, वो है हमारे प्रभु श्री राम जो हैं वनवास से लौट के आते हैं, उसके खुशी में जो हम लोग दीपावली मनाते हैं। लेकिन भाई उनके जन्मभूमि में दीपावली कैसा मनता है ना, वो आपको दिखाएंगे। लगभग 3-4 वीडियो कंटिन्यू आएगा। तो स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बोलिए हर हर महादेव, जय सियाराम। उस तरफ मेन स्टेशन है, लेकिन जो जनरल क्लास का डब्बा है वो इस साइड लगना है। लगभग अकॉर्डिंग टू टाइम 2:30 से 3 बजे, 3-3:30 बजे तक मुझे छोड़ देगी ये अयोध्या। बट देखते हैं अगर डिले करेगी तो मैक्सिमम टाइम अगर ये लेगी तो ये लगभग 5 से 6 बजे तक तो पक्का उतार देगी। इसके बाद आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो। अब हमारी ट्रेन आने वाली है, चापले जा रही है जी, तो चापले एकदम गई नॉन स्टॉप। ये चापी, ये चापी, ये चापी हो गई पास। लगभग अपने समय से 45 मिनट लेट फाइनली दून एक्सप्रेस आ गई अनुग्रह नारायण रोड पे। अब हमें जनरल कंपाउंड का इंतज़ार करना भाई। यहीं पे 2 बोगी है जनरल, एक इसका आगे जनरल है। भीड़ तो ना दिख रहा भाई, स्लीपर में भी जा सके, पर चलो देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले बैठते हैं, इसके बाद फिर प्लान करते हैं कहाँ जाना क्या करना नहीं करना सब कुछ भाई। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन अनुग्रह नारायण से निकल चुकी है, अब हम जा रहे हैं अयोध्या। अभी जो ट्रेन है हमारी वो चल रही है सोन नदी के ब्रिज पे, ऊपर आराम से एकदम धीरे धीरे जा रही है भाई। देख लो ये प्यारा सा सोन नदी, और ये हमारी ट्रेन, और इधर आपका भाई जो मज़ा गेट पे है ना वो कहीं नहीं आता भाई। इतना तो लिख लो एकदम मस्त चकाचक सा मौसम के साथ हम जा रहे हैं। चलो सो भाई नदी में पानी भी है भाई, व्यू भाई इधर करो फोटो शूट उतर के। ट्रेन काफ़ी धीरे चल रही है, पता नहीं क्यों, उधर से ट्रेन आ रही होगी शायद। इतना धीरे नहीं चलना चाहिए था। देखो मैंने बोला था ना उधर से ट्रेन आ रही है, आ ही रही है उधर से भी। लाइट तो जल रहा है, रोक देगी क्या अब भाई? एक साथ 2-2 ट्रेन, वो ये चेक करो। उधर से कोई लोकल ट्रेन है, ये लोकल ही है, लोकल ट्रेन जा रही है। ये गई भाई, कलर ले देके दोनों का सेम ही है। और वो थोड़ा तेज़ चल रही है, हमारी थोड़ा तेज, हमारी गाड़ी ना स्लो जा रही है एकदम धीरे धीरे, वो आ रही है एकदम घुमा उड़ाते हुए यार। गाइस फाइनली अपने राइट टाइम पे भाई ट्रेन ने एकदम राइट टाइम पकड़ ली और अभी हमें पहुंचा दिया पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। तो गाइस आज हम जिस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं 13009 हावड़ा से योग नगरी ऋषिकेश तक जाती है ये, जिसको हम प्यार से मतलब भाई दून एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऋषिकेश तक मतलब हावड़ा से चलती है, कलकत्ता से चलती है और देहरादून तक पूरा कवर कर लेती है। अभी रुकी है, लास्ट का हमारा डिपार्चर है, गाड़ी नंबर है इसका 13009 अप में, डाउन में 13010। तो ट्रैवल कर रहे हैं, फ़िलहाल हम पहुँचे अभी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अब हमें आगे चल के वाराणसी से शायद सीट मिल जाए कम, तो सीट पर हम बैठ जाएंगे। आगे अभी कर रहे हैं भाई कष्ट बट पहुँच जाएंगे आराम से, फिर देखेंगे कैसा क्या सीन होता है भाई अयोध्या का। मतलब घर छोड़ के जा रहे हैं भाई अयोध्या सिर्फ दीपावली को सेलिब्रेट करने, भगवान राम का जन्मभूमि है, वहीं पर इंजॉय करेंगे। और हम तो साइड में कुछ खाने पीने वाला भी इधर मिलना रहा। देखो भाई एक आदमी ने जनरल डब्बे में इतना सारा सामान लाया, भीड़ इतना ज़्यादा है, एक सारा सामान निकाल दिया भाई, सैल्यूट है भाई बंदे को। भाई भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा हुआ यहाँ से हमको सीट मिला, बाकी उतना भीड़ नहीं था, यहाँ से बढ़िया वाला भीड़ लगा। चेक करो भाई इस फाइनली अभी हम पहुँचने वाले हैं वाराणसी जंक्शन। बोलो हर हर महादेव, जय बजरंग बली। ये सिचुएशन ट्रेन के साथ साथ प्लेन लैंडिंग बड़ा इंडिगो है भाई, बड़ा रेयर मिलता है भाई। यहाँ पे बगल में ट्रेन, यहाँ पे प्लेन, ये देखो भाई लैंड कर गई नीचे। और ये था अपना ट्रेन, मतलब भाई प्लेन्स तो बहुत देखे थे हमने, बट ये टाइम और ये सिचुएशन ना मतलब बहुत लकी होने के बाद दिखता है, ट्रेन के ऊपर से प्लेन क्रॉस की। ये कौन सा क्रॉसिंग है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन अपने डेस्टिनेशन पे। अब जाएंगे आगे मंदिर के तरफ, माहौल चेक करते हैं कहां कहां पे दिया है, कहां नदी है, सब कुछ होगा भाई। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, जहां पे जो है अयोध्या का हम लोग दीपावली को सेलिब्रेट करेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जय श्री राम।